यहाँ पर किस तरह से ये लोगों ने नमकीन बना के रखी हुई है। दुकान कौन सी है? हमारा न्यूज़ पे इसको ले सकते हैं आप, अपने यूट्यूब पे ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज हम पहुंच ही चुके हैं चांदनी चौक की मार्केट। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल चांदनी कश्मीरी गेट पे। कश्मीरी गेट से यहां पर हम सीधे दिल्ली मेन की मेट्रो पकड़ेंगे यानी कि येलो लाइन, और येलो लाइन से हम जाएंगे चांदनी चौक मार्केट में। आज हम वहां पर कुछ एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट के बारे में फुल डिटेल देंगे आपको, साथ ही ये भी बताएंगे कि मार्केट कैसी है और वहां का क्या प्राइस है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। ये देखिए एक्सीलेटर कितने ज़्यादा लॉन्ग हो चुके हैं। तो फिलहाल हम उतरते हुए नीचे आ गए हैं और अब हमारी जो येलो लाइन की गाड़ी है उस पर हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए गाइस हम आ चुके हैं चांदनी चौक की मार्केट में। यहाँ पर जो है कुल्फी वाले भैया खड़े हुए हैं, और यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो देखेंगे कितने फ्लावर पॉइंट रखे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मंदिर भी है, और यहाँ पर जो है बैरियर वगैरह लगे हुए हैं ताकि कुछ ज़्यादा जो वाहन आते थे उस तरह के यहाँ पर वाहन एंट्री ना करें। और फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं वो मशहूर मिठाई की दुकान। ये देखिए ये है मिठाई की वो दुकान जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी और मशहूर भी है यहाँ पर। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए और भी तरह के डिज़ाइन हैं यहाँ पर, तरीके तरीके के आइटम्स उपलब्ध हैं। ये देखिए शूज़ वगैरह हैं जो काफ़ी चीप रेट पे हैं। और यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक गैलरी है जिसके हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जिसमें हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे फिलहाल करने की, क्योंकि हमने सुना है यहाँ पे दुकान बंद है और इस वजह से सारा मूड स्पॉल हो गया है। तो चलिए फिर भी अंदर चल के देखते हैं एक बार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं दृष्टि ब्लॉग और हम आ जाए हुए हैं चांदनी चौक की सुपर मार्केट में, जहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक और तमाम तरह के गैजेट्स के जो भी शॉप है उनके बारे में बताएंगे, वहाँ ले चलेंगे आपको। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो सोचा थोड़ा सा यहाँ पंखे के पास, ये देखिए ऊपर पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने हवा लेने की कोशिश करते हैं। दुकान बंद है, कोई है नहीं है, और दुकान सामने बंद हो चुकी है जिस दुकान पे हम आए। देखिए आप पीछे ये दुकान बंद है, यहाँ पर कोई है नहीं। तो फिलहाल हम तक इनकी दुकान पे खड़े के आवाज़ लेते हैं, तो फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हर आइटम 100 रुपये। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा भारत, सामने हमारे भारतीय स्टेट बैंक भी। कितना का अंकल? 60 रुपए का। नमकीन सारी बन जाती हैं? ये भाई जी आप देख सकते हैं कि बाहर वो है बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और बहुत ज़्यादा धूप की वजह से हम लोग कुछ देखते हैं कि क्या खरीदते हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी इसलिए हम यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर किस तरह से ये लोगों ने नमकीन बना के रखी हुई है। फिलहाल अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ मिलता है। फिलहाल जिसके लिए हम आए थे, हम एक EVR लेने आए थे और वो यहाँ पर फिलहाल मिला नहीं क्योंकि दुकान बंद थी इलेक्ट्रॉनिक बाजार में जो जहाँ पर अभी आपको दिखाया था। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जो है इसी लाइन में आगे गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा सीसगंज के नाम से। तो फिलहाल देखते हैं कि वहाँ हमें अंदर एंट्री मिलती है कि नहीं, अगर मिली तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और फिलहाल बने रहिए इस ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। गाइस आप सामने देख सकते हैं वाजी वाह का जो ये शोरूम है चांदनी चौक में, फिलहाल उसके सामने पहुंच चुके हैं। और आ चुके हैं हम गुरुद्वारे में फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बगला साहिब। नहीं यहाँ से रास्ता है। पहले चप्पल पर तो रखनी पड़ती है ना यहाँ। तो गाइस हम आ गए हैं गुरुद्वारे में जो चांदनी चौक में है,
चांदनी चौक का शीश गुरुद्वारा, यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है, कितना रश है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और ये देखिए पीछे, और मैं आपको ये देखिए फ्रेंड कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो चुका है, और भी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। ये हमारा इंटरफेस है, मेन गेट है, जहाँ से हम ऊपर की तरफ एंट्री करेंगे। यहाँ से जाके सीधे ऊपर जाना जाता है, और ये इसका मेन गेट है। यहाँ पर आपको अगर मैं अंदर दिखाऊँ तो उस साइड में जो है वो बना हुआ है, इस साइड से रास्ता जा रही है। ये रास्ता जो है ये गुरुद्वारे के लिए अंदर जाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर जो है कुछ सेवार्थी बैठे हुए हैं, जो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह यहाँ जमा भी होता है, और ये लोग उसको अच्छे से उसको साफ करके वॉश करके देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग पानी के लिए। ये है गुरुद्वारे का मेन इंटरफेस, जो बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ से लोग एग्जिट करते हैं। यहाँ पर इतने लगा रखा है बाढ़ पावा मिर्च लंगर सेवा के लिए अपनी मर्जी से। फिलहाल हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। अंदर जो है आपको नहीं दिखा सके, क्योंकि अंदर फ़ोन चलाना ही अलाउ नहीं था, मना करे थे लोग। तो फिलहाल हम बाहर बाहर तक आपको दिखा पाए। ये देखिए, ये चांदनी चौक शीशगंज है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये शीशगंज गुरुद्वारा है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम फिलहाल यहाँ अंदर गए थे, लेकिन अंदर जाके उसका अंदर का मेन जो है वहाँ पर हम नहीं बना सके। वहाँ पर हमें कैमरा चलाने की इजाज़त ही नहीं मिली। सो फिलहाल चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं, इसके सामने ये मेट्रो है नियर बाय, जो आपको मेट्रो अगर यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ का मेट्रो जो है वो दिल्ली मेन का मेट्रो पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ से निकल के अब चलते हैं और आगे की मार्केट की तरफ, देखते हैं कि आगे किस तरह की और मार्केटें हैं और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अब हम चलते हैं आगे मार्केट की तरफ, देखते हैं आपको लेकर। उसके बाद यहाँ पे घूमें, मार्केट करें, थोड़ा पैदल ऐसे, ये अच्छा लगता है। पब्लिक के लिए बढ़िया है, ये पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया प्लेस बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता था ना, इस वजह से वो ट्रैफिक को ख़त्म कर दिया है। और ये फिलहाल गंदगी नहीं है, गंदगी भी नहीं है, बहुत साफ सुथरा जो है। यहाँ पर सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन सफाई होती रहती है। और इसी वजह से जो है ये चांदनी चौक अपने ही अंदर एक अच्छी खूबसूरती महसूस करता है, प्रदान करता है। और इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स उपलब्ध हैं। आप यहाँ कुछ भी आके ले सकते हैं, लेडीज़ आइटम, जेंट्स आइटम, और तरीके की तमाम तरीके की क्वालिटीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं। सूट वगैरह भी आप लेना चाहें तो ये देख सकते हैं सामने। ये मेट्रो स्टेशन की तरफ रास्ता जा रहा है सीधे अंदर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक में, और यहाँ पर हम जा रहे हैं सामने पराठे वाली गली की तरफ। तो फिलहाल आपको भी चलते हैं लेके, और बने रहिए इस ब्लॉक में। ये हम देखिए अंदर एंट्री कर रहे हैं पराठे वाली गली की तरफ। पराठे वाले, तो सारे पराठे वाले हो गए हैं, सारे पराठे वाले हैं, पराठे वाले तो सब इतने भी हैं। मेन पराठे वाली जो गली थी वो गली तो यही है, लेकिन यहाँ पर जो है पराठे वाला जो मेन पराठे वाला था वो पता नहीं कहाँ गया है, वो लापता हो गया है। आगे सब बंद पड़ा हुआ, संडे है आज। क्या लेना भैया, क्या खाना है? संडे आई लव आलू चाट खानी है, आओ वीडियो बनानी है, आओ ना। या अखबार में आई भी है, और चाहो तो आलू चाट खाओ, तो गोले पे खाओ, यार हमें खाली पता करना पराठे वाली गली पुरानी वाली कौन सी है। भाई पुरानी है, इधर जाना। पराठे वाली दुकान कौन सी पुरानी भाई? यहां तक ये दुकान है, दुकान कौन सी है?
हमारा न्यूज़ पे इसको ले सकते हैं आप अपने यूट्यूब पे ले सकते हो। बात तो ठीक है, कल ही समझ गया कि यूट्यूब वाले हैं। सारी मार्केट बंद है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बज गए, लेकिन 12 नहीं बजे, ये दिन ही है। ये देखिए दुकान, यहाँ पर भी आप सारे आइटम खरीद सकते हैं।